कक्षा 11 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर चल रहा है हमारा जीव जगत। जीव जगत के बारे में आपके मैम ने सब कुछ बता ही दिया होगा कि जीव जगत आखिर होता क्या है, जिसमें सभी जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव आदि रहते हैं, उन्हें जीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। जीव जगत में सबसे ज़्यादा जाता है द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर द्विनाम पद्धति की हमें ज़रूरत क्यों, क्या ज़रूरी थी दो दो चीज़ों पढ़ने की, क्या एक चीज़ से हम लोग अपना काम नहीं चला सकते थे, क्या एक चीज़ से के बारे में हम जानकारी से इकट्ठा नहीं कर पाते थे। देखिए, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जीव जंतुओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसी जीव को कैसे पहचाना जाए कि वो किस संघ में है, किस जाति का है, किस वंश में है। तो एक प्रथम वैज्ञानिक थे, सबसे पहले वैज्ञानिक थे कैरोलस नीलियस। कैरोलस नीलियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि द्विनाम पद्धति के बारे में उन्होंने बताया था। बोले द्विनाम पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले जो है वंश का नाम आता है कि सबसे पहले कौन सा वंश है, फिर वो किस जाति के अंतर्गत आता है। तो कैरोलस नीलियस ने यही बताया था कि किसी जीव का सबसे पहले वंश कौन सा है, फिर उसकी जाति क्या है। किसी भी जीव की वंश या जाति का अध्ययन करने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो जीव जो है किस जाति में रखा गया है और किस संघ में आता है। जैसे हम लोग मानव की ही बात कर लें, हम लोग मानव हैं, सभी मानव के बारे में बात करें तो होमो सैपियंस सैपियंस, ये तो उसका जूलॉजिकल नेम हो गया, जाति हो गई इसकी कसवर की। कहने का मतलब ये है कि मैमल्स की, मानव एक स्तनधारी है। स्तनधारी के बारे में सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, हाई स्कूल में जिसने भी आपको पढ़ाया होगा तो स्तनधारी के बारे में बताया होगा कि स्तनधारी आखिर होते क्या हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि वे सभी जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, शरीर पर स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो सभी जीव स्तनधारी कहलाते हैं। अगर यही बात को वर्ग में या उसमें नहीं बांटा गया होता तो बच्चे तो चिड़िया भी देती हैं, पक्षी भी बच्चे देते हैं, चींटियाँ भी बच्चे देते हैं, पता ही नहीं आता कि कौन स्तनधारी है कौन स्तनधारी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए जो है हमें द्विनाम पद्धति पढ़नी पड़ी। द्विनाम पद्धति जो है एक ऐसी पद्धति है जिसमें वंश और जाति का अध्ययन किया जाता है कि किसी भी जीव का वंश क्या है और उसकी जाति क्या है। जब हमें यह पता लग जाता है कि उस जीव के वंश क्या है और जाति क्या है तो हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो जीव है वो जीव किस कैटेगरी का है, किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत नहीं आता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जाति की। जाति के बारे में हम लोग बात करेंगे। जॉन रे, जाति के बारे में बात करेंगे। जॉन रे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अगर किसी के बारे में बताया था जाति के बारे में तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। जाति के अनुसार बात करें तो जाति किसी भी जीव की मूल इकाई है। जैसे हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई है, वो है हमारी कोशिका। ठीक उसी प्रकार से किसी वंश का
या किसी के बारे में बात की जाए तो जाति जो है वो मूल इकाई है। जब हमें यह पता लग जाता है कि उसकी जाति क्या है तो वंश अपने आप हम लोग पता कर लेते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अनेक वैज्ञानिकों ने यह धारणा दी थी कि जाति जो है गतिशील या परिवर्तनशील है, वातावरण के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हाँ, इस बात को हम कह भी सकते हैं, लेकिन जाति परिवर्तनशील है ये कोई पुरानी धारणा है, नई धारणा के अंतर्गत तो ये चीज़ नहीं है। मान लिया मानव है, उसका जूलॉजिकल नेम जो है होमो सैपियंस सैपियंस धारे में ही आता है, तो उसकी जाति तो वही हो गई। अब वातावरण चाहे गर्म हो चाहे सर्द हो, उसकी जाति थोड़ी ना बदल जाएगी। अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अगर वो वातावरण के अनुसार अपने आप को अडॉप्टेशन नहीं कर पाता है तो स्टेटस से मरना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जाति बदल जाएगी, समझ रहे हैं बात के लिए। मेयर के अनुसार जीवधारियों का वह समूह जो परस्पर प्रजनन करके एक संतान उत्पन्न कर सके, एक जाति के सदस्य अन्य जाति के सदस्य से आकार के लक्षणों के आधार पर दूसरे से पृथक कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे मेयर ने बात तो ठीक कही थी। वैज्ञानिक थे मेयर ने ये कहा था कि कोई भी जीव जनन करके अपने ही समान संतान उत्पन्न करे। जनन मेयर ने कहा था कि कोई भी जीव जनन करके अपने समान ही संतान उत्पन्न करे वह जाति कहलाएगी। जैसे अगर गाय जनन कर रही है तो वो गाय को ही जन्म देगी, भैंस जनन कर रही है तो वो भैंस को ही जन्म देगी, मनुष्य जनन कर रहा है तो वो किसी मनुष्य को ही जन्म देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गाय जनन कर रही है तो मनुष्य को जन्म दे, या मनुष्य जनन कर रहा है तो वो गाय को जन्म दे। मेयर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जाति की एक अलग ही परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया था कि कोई भी जीव जनन करके अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है वह जाति कहलाती है, उत्पन्न कर सके जाति कहलाती है। जाति के बारे में अगर बात की जाए तो जीव अपने समान संतान उत्पन्न करेगा। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताया है, मैंने सिर्फ यही बताया है जाति वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई और जाति क्या होती है। उसमें वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण की सबसे पहले आवश्यकता क्यों हुई। उसमें मैंने आपको बताया कि इस पृथ्वी पर जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई थी कि किस जीव को पहचाना कैसे जाए, या पेड़ पौधों को कैसे पहचाना जाए कि वो किस जाति में है, किस वंश में है, क्या है। तो इन सबको अलग अलग रखने के लिए हमें वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। वर्गीकरण जो है कैरोलस नीलियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया था। जाति के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी थी। जैसे मेयर एक वैज्ञानिक थे, मेयर ने कहा था बोले ऐसा है कोई भी जीव जनन करके अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है तो वह उसकी जाति कहलाती है। जाति भी एक बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि जाति मान लिया कोई भी चीज़ है कोई बदलती रहेगी, जाति निश्चित होती है और जाति के द्वारा ही बात आगे चलता है, वंश उसका चलता है। मान लिया अगर कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, एक दिन उसका जो वंश है वहीं ख़त्म हो जाएगा। आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगले टर्न पे मैं फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ बात करूँगा। तब तक के लिए आप जो है अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। डेट चलूँगा।